नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप 2019 के बाद से अगर किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा है, कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो है पन। कभी अच्छे खेल की वजह से तो कभी खराब शॉर्ट सिलेक्शन या फिर खराब खेल की वजह से। लगातार पंत की आलोचनाएं भी हुई हैं, पंत की तारीफ भी लोग खूब करते हैं। कई दिग्गज पंत को सपोर्ट कर चुके हैं, ये कह चुके हैं कि हाँ, पंत को अभी और मौके मिलने चाहिए। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मैच विनर खिलाड़ी हैं, टैलेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, तो उससे पहले ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या टेस्ट सीरीज में पंत को मौका मिलेगा, क्योंकि विदेशी दौरों पर पंत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। वैसे रिद्धिमान साहा टेस्ट विकेटकीपर के तौर पर टीम के साथ हैं, और अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि रिद्धिमान साहा को ही मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अभ्यास मैच में पंत ने अपने बल्ले की धार दिखाई, जिस तरह से पंत ने रन बनाए, तो उसके बाद ये सवाल जरूर खड़े होने लगे और फैंस ये चाहने भी लगे हैं कि पंत को अब मौका मिलना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है रोहित, पूरे मामले पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या पंत और रिद्धिमान साहा के बीच में जो एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोनों में से किसको मौका मिलना चाहिए, आखिर किसको मौका मिलेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। रोहित, आखिर किस तरह से, जिस तरह से अभ्यास मैच में आजमाया गया पंत को, और पंत ने वो दिखाया भी कि हाँ, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और दिखाया भी है पंत ने अब से पहले। जरूर कुछ, हम ये नहीं कहेंगे कि पंत लगातार अच्छा खेलें, कुछ जरूर गलत शॉट खेलकर वो आउट हुए हैं, लेकिन पंत के अंदर वो टैलेंट है कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं, क्या कहें? बिल्कुल, अगर आपने देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल सटीक कही कि अगर विदेशी दौरों पर अगर आप पंत का प्रदर्शन उठा के देखें, तो फिर उनके अलावा भारत ने कोई ऐसा विकेट कीपर देखा ही नहीं जिसने बाहर जाकर दो शतक लगाया। एक इंग्लैंड में जाके, हालांकि वो लास्ट मैच में आया था, कई लोग ये कहते हैं कि उस समय आपके पास दबाव नहीं था और सिचुएशन उस तरह की गेम खेलने की नहीं थी, इसलिए आप फ्री हैंड खेल गए वहां पर। लेकिन देखिए, शतक शतक होता है, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन में आए। इंग्लैंड की गेंदबाजी थी, इंग्लैंड की कंडीशंस थी, और दूसरा शतक उन्होंने लगाया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये दोनों ऐसे शतक थे जो चैलेंजिंग सिचुएशंस पे आए थे। छोड़ दीजिए आप उस समय की भारतीय टीम किस तरह की स्थिति में थी, एक जगह पे आप पूरी तरह से सीरीज हार चुके थे, दूसरी जगह पे आप सीरीज जीत कर आगे बढ़ रहे थे। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस पे जो शतक आए हैं, वो पंत की बल्लेबाजी के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर वो खेल है कि आप उन्हें बल्लेबाज के तौर पर टीम में रख सकते हो। सवाल कहाँ खड़ा होता है कि खास तौर पर टेस्ट मैचेस में। देखिए, वनडे और T20 फॉर्मेट में तो उनके टेम्परमेंट पे सवाल है कि वो मैच फिनिश नहीं करते हैं, या अगर वो पहली पारी में खेल रहे हैं तो वो पूरे 50 ओवर तक अगर चाहती है टीम उनसे बल्लेबाजी करवाना, तो वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं। और बीच में उन्होंने एक आध इनिंग्स खेली, जैसे आपको वेस्ट इंडीज वाला मुकाबला याद होगा, वेस्ट इंडीज में उन्होंने एक पारी खेल दी थी। तो आमतौर पर जब वो ऐसी पारियां खेल जाते हैं तो फिर हर कोई कहता है कि उनसे कोई बेहतर खिलाड़ी नहीं है। लेकिन टेस्ट मैच में दिक्कत क्या है कि टेस्ट मैच में उनकी बल्लेबाजी से भी ज्यादा सवाल उनकी विकेट कीपिंग को लेकर है, और उनकी विकेट कीपिंग में स्किल्स जो है वो आपने देखा होगा कि वनडे और T20 में भी उतनी ज्यादा नहीं दिखी। स्टंपिंग्स वो छोड़ रहे थे कई जगह पर, और जैसे ही वो स्टंपिंग छोड़ते थे, क्राउड धोनी चिल्लाने लगता था, पूरा हर तरह से स्टेडियम में इसी तरह की गूंज देखने को मिलती थी। लेकिन आपको फिर ये भी देखना होगा कि पंत को अभी भारतीय टीम में आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपको उन्हें मौका देना पड़ेगा, आपको उन्हें ग्रो करने का मौका। देखिए, धोनी भी जब शुरुआत में आए थे तो आप याद कीजिए, धोनी की टेक्निक पर भी बहुत सवाल उठते थे, उनकी विकेट कीपिंग को लेकर सब हर कोई यही कहता था कि यार, ये विकेट कीपर कैसा है, अलग तरह की तकनीक है, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, लंबा नहीं खेल पाएगा, हर कोई यही कहता था धोनी की टेक्निक के बारे में उस समय। लेकिन देखिए, धोनी अब ऑलमोस्ट दो दशक पूरे करने वाले हैं, मतलब 2020 हो गया, 2023 तक वो दो दशक पूरे कर जाएंगे अगर वो खेलते हैं तो, नहीं तो 17 साल 18 साल तो पूरे कर ही चुके हैं वो, और आज दुनिया के सबसे बढ़िया विकेट कीपर्स में उनका नाम शुमार है अगर आप इतिहास की बात करें। तो उसी तरह से अगर आप ऋषभ पंत को भी थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि बल्लेबाजी में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, टेस्ट विकेट कीपिंग में निश्चित तौर पर रिद्धिमान साहा इस वक्त पे भारत के सबसे बढ़िया कीपर है, और दुनिया के बढ़िया कीपर्स इस समय पे अगर आप देखें, दुनिया में जो विकेट कीपर्स है, सिर्फ इस समय की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी रिद्धिमान साहा को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऋषभ पंत आपके लिए बल्ले से एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो गैम्बल लेना पड़ेगा कि मैं इस गैम्बल को खेलकर देखता हूं, क्योंकि अगर ऋषभ पंत का बल्ला चला तो वो एक सेशन में मैच बदल सकते हैं, जो वीरेंद्र सहवाग किया करते थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के पास अपर हैंड है। अब देखना यह होगा कि विराट कोहली उन पर भरोसा दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि आप वनडे क्रिकेट देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ था, हर खिलाड़ी को मौका दिया गया है, जितने रिजर्व में थे सबको, नवदीप सैनी से लेकर शिवम दुबे से लेकर हर खिलाड़ी को मौका दिया गया, एक खिलाड़ी संजू सैमसन को भी मौका दिया गया। बिल्कुल सही आपने कहा, एक खिलाड़ी जो पूरे सीरीज में बाहर बैठा रहा, बेंच में बैठा रहा, वो ऋषभ पंत था, तो उनको मौका नहीं दिया गया है। अब क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस मैच में मौका दिया गया है, इसके दो एंगल हो सकते हैं, या तो आप सोच रहे हो कि चलो प्रैक्टिस गेम खिला देंगे और मेन मैच जो है वो रिद्धिमान साहा को खिलाएंगे, कि ये कहने के लिए ना रहेगी यार प्रैक्टिस गेम तो खिला देते कम से कम, और यहाँ से दूसरा संदेश ये भी हो सकता है कि चलिए इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं, विकेटों के पीछे भी अच्छा किया है, टेस्ट विकेट कीपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं उन्हें। सर,
हाँ देखिए रोहित, एक सवाल और भी सबसे बड़ा है क्योंकि धोनी अब ज्यादा दिन नहीं है टीम के साथ और टीम इंडिया भविष्य के विकेट कीपर के तौर पर देख रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या ऋषभ पंत को टीम इंडिया भविष्य के तौर पर देखती है, और अगर देखती है तो उनके उनको मौका मिलना कितना जायज है? देखिए फिर तो आप क्रिकेट की पूरी जो इस समय पे सवाल है ना वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्यों? क्योंकि आप तो अब आपने कहा आपके एमएसके प्रसाद क्या कहते हैं, एमएसके प्रसाद कहते हैं वर्ल्ड कप से पहले कि ऋषभ पंत हमारे नंबर वन विकेट की नंबर वन विकेट की तरह। उसके बाद आप ऋषभ पंत को नंबर वन विकेट टेस्ट में भी उस समय वो थे, वनडे टी20 हर जगह वो विकेट कीपिंग कर रहे थे। उसके बाद जो है रिद्धिमान साहब वापस आते हैं 2018 में, मुझे याद है साउथ अफ्रीका में उनके कंधे पर दिक्कत आई थी, उन्होंने आईपीएल खेला, कंटिन्यू करने की कोशिश की, चोट और बढ़ गई, उसके बाद वो एनसीए चले गए, रिकवरी करने लगे। तो आपके रिद्धिमान साहब प्रॉपर माफ कीजिएगा ऋषभ पंत आपके टेस्ट में विकेट कीपर हो गए। और दूसरी तरफ आपने निश्चित तौर पर उसके बाद ऋषभ पंत ही आपके वनडे टी20 में कीपिंग करने लगे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर रिद्धिमान साहब वापसी करते हैं, टेस्ट में उन्हें जगह मिल जाती है, क्योंकि इस टीम का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई इंजरी की वजह से बाहर जा रहा है, खराब फॉर्म की वजह से नहीं, अगर कोई इंजरी की वजह से बाहर जा रहा है तो वो वापस आएगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस टीम के साथ। दूसरी बात अगर आप देखें इस टीम के साथ, तो अब आ गए टेस्ट में रिद्धिमान साहब के विकेट कीपर और वनडे टी20 में आपके ऋषभ पंत विकेट कीपिंग। उसके बाद एक मैच आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता है, उसमें उन्हें बॉल लगती है हेलमेट में, कंकशन की वजह से उनको बाहर किया जाता है और फिर उन्हें रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए कहा जाता है कि आप प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप बाहर रहिए। बिल्कुल, उनकी जगह पे केएल राहुल से कीपिंग कराई जाती है, केएल राहुल शानदार कीपिंग करते हैं और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, तो आप ऋषभ पंत को वहां से भी हटा देते हैं। यानी एक वक्त पे जिसको आपके चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ने कहा कि हमारा नंबर वन विकेट कीपर है, वो ना आप टेस्ट में विकेट कीपिंग कर रहा है ना वनडे टी20 में विकेट कीपिंग कर रहा है। वनडे टी20 में आपके पास एक अलग कीपर है, टेस्ट में आपके पास एक अलग विकेट कीपर है। तो आप अपने आप ही सवालों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हो अपने जवाबों से कि आज हमें पता ही नहीं है कि इस टीम में विकेट कीपर की हैसियत से खेल कौन रहा है, मतलब फ्रंट रनर कौन है। आपके पास एक तरफ आप संजू सैमसन को भी रख रहे हो, ऋषभ पंत भी इस रेस में, केएल राहुल भी उस रेस में, तो तीन खिलाड़ी दौड़ रहे हैं इस पूरी की पूरी रेस में। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त पे अगर आप देखें भारत की टीम को, तो उसमें टेस्ट मैचेस में निश्चित तौर पर सवाल यही है कि कौन दोनों में से विकेट कीपिंग करेगा, लेकिन ऋषभ पंत को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही है ना इस समय पे, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करने वाली है उन्हें, क्योंकि उनको लेकर के अभी आपके पास फ्यूचर की कोई प्लानिंग मुझे नजर नहीं आ रही है। आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो वनडे और टी20 में केएल राहुल के साथ और टेस्ट मैचेस में रिद्धिमान साह के साथ। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप पंत को टीम के साथ रख रहे हैं, दिल्ली कैपिटल के ओनर ने ये सवाल उठाए हैं कि अगर आप पंत को नहीं खिला रहे हैं तो उनको रिलीज कर दीजिए, वो घरेलू मैच खेलकर अपनी फॉर्म को वापस ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास ये प्लान है कि, लेकिन फिर देखिए ना, आप क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं। आप 5 मैचों की एक वनडे सीरीज खेल रहे हैं, आपने पहले मैच में ये प्लान बना लिया है कि मेरे 5 मैचेस केएल राहुल खेलने वाला है एज अ विकेट कीपर भी, लेकिन खुदा ना खास्ता दूसरे मैच में केएल राहुल को इंजरी हो जाती है तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपको पंत को आपने इंडिया भेज दिया, फिर आपको पंत को वापस बुलाना पड़ेगा। तो मतलब क्रिकेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल गेम है, आप ये सोच के किसी को वापस नहीं भेज सकते डोमेस्टिक गेम में कि अगर इसको इंजरी हो जाती है तो फिर मैं क्या करूंगा। तो हालांकि ओनर्स का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय आपके पास संजू सैमसन भी है वहां पे, तो आप उनसे भी कीपिंग करा सकते हो, लेकिन अगर आपके माइंड में ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि मैं 5 मैचेस में इस खिलाड़ी को मौका नहीं देने वाला हूं, तो आप उन्हें इंडिया भेज दीजिए, वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, वो डोमेस्टिक गेम खेलेंगे और उसमें निश्चित तौर पर अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो आमतौर पर आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा प्रेशर की वजह से नहीं कर पाता है। तो ये चीज है। तो जिस तरह से रिद्धिमान शाह अभी विकेट कीपिंग पर उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, विकेट कीपिंग बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत सबसे ऊपर है, लेकिन बल्लेबाजी में जिस तरह से वो कोई बड़ा स्कोर पिछले कुछ वक्त से नहीं बना पाए हैं रिद्धिमान शाह, क्योंकि एक विकेट कीपिंग के साथ साथ टेस्ट में अच्छा बल्लेबाजी भी जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे वक्त एक समय जरूर आता है कि जब आपसे टीम को शतक या फिर 50 की जरूरत होती है। सही बात है, लेकिन रिद्धिमान साहब बल्लेबाजी में फेल होते रहे। नहीं, फेल मैं नहीं कहूंगा, फेल बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है आई थिंक उनके अगेंस्ट यूज करने का। पता है क्या हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना ये बदल गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने आपकी उम्मीदों को इतना बढ़ा दिया है कि अब आपको कोई औसत विकेट कीपर लगता है कि यार ये खराब विकेट कीपर है। महेंद्र सिंह धोनी से पहले क्या होता था, नयन मोंगिया जब थे, जब ये आपके कुछ वक्त अजय रात्रा भी रहे, तो उस दौर में क्या था कि आप विकेट कीपर से बहुत ज्यादा बल्लेबाजी उम्मीद नहीं करते थे। आप क्या उम्मीद करते थे कि यार ये विकेट कीपिंग अच्छी कर ले, बस विकेट कीपिंग में 10-20 रन भी बना देगा तो मेरे लिए बहुत है। धोनी के आने के बाद क्या हो गया कि धोनी के आने के बाद चीजें पूरी तरह से बदल गई। महेंद्र सिंह धोनी आपको 50-50 के औसत से रन बनाने लगे आपके लिए,
और आपके लिए विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करने लगे। तो अब धोनी के बाद जो भी खिलाड़ी आता है उससे आप उम्मीद करते हैं कि यार ये बल्लेबाजी में बड़े रन बनाकर दे, अगर वो कमतर रन बनाकर देता है तो आपको लगता है यार ये तो खराब विकेट कीपर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिद्धिमान शाह के साथ अगर आप ये कहें कि उन्होंने 50 या 100 नहीं बनाया तो फेल वर्ड यूज करना बहुत स्ट्रांग वर्ड होगा, क्योंकि ये धोनी के आने के बाद आपकी उम्मीदों ने बिल्कुल एकदम उछाल मार दिया है। तो इस वजह से आप पंत से भी वही उम्मीद करते हैं कि यार वो भी 50-70 रन कंटिन्यू बनाते रहे, रिद्धिमान शाह से भी वो उम्मीदें करते हैं कि आप इसी तरह के रन बनाते रहे, क्योंकि ये एक नया सिनेरियो है भारतीय टीम में जो धोनी के आने के बाद क्रिएट हुआ है। उससे पहले तक वो नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में था कि एडम गिलक्रिस्ट हमेशा रन बना रहे हैं तो उन्हें उसी तरह का विकेट कीपर चाहिए, लेकिन यहाँ धोनी के आने के बाद वो सारी चीज़ें शुरू हुई है। तो मैं कहूँगा रिद्धिमान शाह के साथ आप फेल वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए ऋषभ पंत के पास वो गेम है कि वो एक सेशन में गेम बदल सकते हैं और आपको मैच विनर्स चाहिए होते हैं टीम में, आपके आपको एक ऐसा खिलाड़ी आज के वक्त के हिसाब से जब आपको यूटिलिटी प्लेयर्स चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो एक एक्स फैक्टर लेकर आता हो टीम में, वो लंबे वक्त तक टीम के साथ भी रहे, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। बिल्कुल, अभी 21 साल की तो उम्र है उनकी, जिस तरह से धोनी ने 10-12 साल टीम को दिए हैं 15 साल, उसी तरह से पंत भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतने दिन तक टीम के साथ रह सकते हैं और इससे ज्यादा रहेंगे वो जिस तरह का उनका गेम है। देखिए लोग उन्हें देखकर अलग अलग अपनी तरह से इमेजिन करते हैं, कोई कहता है कि कॉम्बिनेशन है वो युवराज सिंह और सुरेश रैना का कॉम्बिनेशन लगते हैं जब खेलते हुए दिखते हैं, कुछ लोग उन्हें एबी डिविलियर्स से भी कंपेयर करते हैं उनके जो शॉट्स थे। और मुझे एक पारी याद है, मैंने कोटला में देखी थी उनकी एक पारी, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था और लास्ट ओवर में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को इस तरह से मारा था जैसे एबी डिविलियर्स मारते थे, बहुत अनऑर्थोडॉक्स शॉट मारते थे। तो उस पारी ने उनको स्टैब्लिश किया था कि यार ही कुड बी दी नेक्स्ट 360 डिग्री, मतलब जिस जो हम एबी डिविलियर्स के लिए कहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो पंत को अपर हैंड देती हैं एज अ बैट्समैन। लेकिन फिर आपको पता है क्या ध्यान देना होगा कि न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस है वो इंग्लैंड की कंडीशन से बहुत ज्यादा सिमिलर होती है और इंग्लैंड में आप याद कीजिए कि विकेट कीपिंग बहुत खास नहीं रहती ऋषभ पंत की, वहां पर गेंद जो है वो स्वर्व करता है। आपने सीम सुना होगा, स्विंग सुना होगा, स्वर्व क्या होता है कि गेंद जो है ना वो तैरता है लास्ट में, हल्का सा अपना डेविएट करता है और खास तौर पे ये तब होता है जब बॉल विकेट को विकेट के पीछे चले जाता है, मतलब बल्लेबाज और विकेट कीपर के बीच की जो दूरी होती है ना वहां पर जाकर बॉल जो है वो डायरेक्शन बदलता है। तो वो कीपर के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि न्यूजीलैंड हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड से वहां पे जहां पे हवा बहुत तेज चलती है और गेंद तैरता है स्वर्व करता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है ऋषभ पंत के लिए एज अ विकेट कीपर। बिल्कुल, वैसे ऋषभ पंत का भविष्य क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, ना तो टीम मैनेजमेंट कुछ ऋषभ पंत के ऊपर बोल रहा है, ना कप्तान ना कोच। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या ऋषभ पंत को बोल सब रहे बोल सब रहे लेकिन मैदान में वो होता नजर नहीं आ रहा है, मैदान में होता नहीं, बोल रहे हैं वो मैदान में होता नजर नहीं आ रहा है। ऋषभ पंत को मौका मिलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, फैंस तो यही चाहते हैं कि जिस तरह का अभ्यास मैच में ऋषभ पंत ने प्रदर्शन किया है उस लिहाज से ऋषभ पंत को मौका मिले, और जिस तरह से विदेशी कुछ दौरों पर ऋषभ पंत ने शतक लगाए हैं उस लिहाज से फैंस तो यही चाहते हैं कि ऋषभ पंत को इस सीरीज में मौका मिले। लेकिन अभी तक क्योंकि रिद्धिमान शाह ही पहली प्राथमिकता है टीम इंडिया की, तो आपका क्या मानना है, क्या ऋषभ पंत को रिद्धिमान शाह के ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्या ऋषभ पंत को अब लगातार टेस्ट में भी मौके देने चाहिए? आपका जो भी मानना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स के जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।